अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो बस हम लोग जो है थोड़ा सा आके मजार से जो है आके हम लोग जो है ना रेस्ट किए थोड़ा, और अब हम लोग जो है ढाई तीन का झोपड़ा और अन्ना सागर की तरफ जो है जा रहे हैं, क्योंकि आज भर ही हम लोग को रहना है। तो वीडियोज भी पूरा बने रहिएगा भाइयों और बहनों, और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और ब्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे जो हैं मैं डाल रही हूँ, मेरे से जितना कोशिश हो रहा है मैं अपने कोशिश कर रही हूँ। जो मेरी भाभी जो गांव से आई हुई है वो वीडियो पकड़ती हूँ, क्योंकि फरीन है नहीं और ना समायरा मेरे साथ हैं, तो वही जो भी मेरी हेल्प कर रही हैं कर रही हैं। और क्योंकि मुझे अकेले बनाने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। और बस हम लोग जो है अब निकलते हैं थोड़ी देर में, और ये बाबू भी देखिए, बाबू भी यहाँ पे बस तैयार हो रही है ये भी, और हम लोग निकलेंगे ना बेटा। कहाँ चलेंगे घूमने, कहाँ जाएंगे बताओ। तो अब हम लोग जो है निकल रहे हैं, तो चलिए आप भी मेरे साथ घूमिएगा और आप लोग को दिखाती हूँ ढाई तीन का झोपड़ा, और चलते हैं। अच्छे आ गए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग आए हुए होटल में, और अब हम जो है निकलते हैं, चलते हैं ढाई तीन का झोपड़ा पे। बुढ़िया इधर आओ। हैं अन्ना सागर की तरफ, और देखिए यहाँ पे रोड पे जो इतना भीड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि मौसम भी अच्छा है। और चलते हैं अंदर अन्ना सागर की तरफ। यहाँ से जो है अन्ना सागर स्टार्ट होता है, यहाँ से अंदर हम जाएंगे घुसेंगे, और देखिए यहाँ पे बहुत सारा खाने पीने का सामान भी मिल रहा है बच्चों का। ये सब जो लोग हैं लाइन में लगे हैं, यहाँ पे टिकट निकल रही है, टिकट के लिए यहाँ पे खड़े हैं सामने, तो बस फटाफट से टिकट लेके जो है चलते हैं। और कुछ हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश का भी मौसम है माशाल्लाह। दोपहर से यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। हम लोग सोचे थे कि बहुत ज़्यादा जो है धूप होगा, गर्मी होगा, लेकिन माशाल्लाह अजमेर शरीफ में जो है मौसम बहुत अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पे बूंदाबूंदी स्टार्ट हो गई है, बारिश हल्की हल्की। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग जैसे ही यहाँ पे घुसे हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और हम लोग चल रहे हैं अंदर। हम आ रही हो, चलो भाग रहे हैं लोग, जल्दी जल्दी जाग रहे हैं उसके अंदर जाके जो है खड़े हैं, क्योंकि बारिश जो है तेज हो रही है। तो हम लोग आ गए हैं अन्ना सागर, और देखिए इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बारिश की वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और माशाल्लाह लोगों को मज़ा भी आ रहा है घूमने में। मैं आप यहाँ पे एक किस्सा सुनी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इस किस्से को। हमारे जो ख्वाजा जी हैं वो यहाँ पर उस ज़माने में आए थे, तो उनको प्यास लगी तो अपने साथ एक कलसा ले कर आए थे, तो यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने जो है उनको पानी देने से इनकार कर दिया था, उनको बहुत तेज़ प्यास लगी थी, लेकिन जो उनके नौकर राजा जो है वो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो ये समंदर जो है वो उस कलसे में जो है समा गया था, तो इसके बाद जो है ये जो समंदर है ये इस नाम से फेमस हो चुका है यहाँ पे, अन्ना सागर के नाम से। तो माशाल्लाह से ये करिश्मा है ख्वाजा जी का और ऊपर वाले का भी। तो बस चलो चलते हैं और देखते हैं, और नज़दीक चलते हैं अन्ना सागर, देखते हैं कैसा है। ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पे समंदर है, पूरा अन्ना सागर है,
हाँ, इसके अंदर मछलियाँ भी होती थी, लेकिन अभी पता नहीं इस टाइम है कि नहीं है। और ये लहरें उठ रही हैं, बहुत ही अच्छा मौसम भी, और कितना बढ़िया नज़ारा व्यू लग रहा है यहाँ से। मछली घूम रही है, बहुत नज़दीक से देखो जूम करके, इसमें ना बहुत ज़्यादा मछलियाँ घूम रही हैं। बेकार हो गई। मछलियों के लिए ब्रेड डाल रहे हैं। आइए आइए देखिए, बहुत मछली है, बहुत अंदर देखिए। जैसे ही ब्रेड डाल रहे हैं, मछलियां जो है उठा के ले जा रही हैं सब। कोई आटा डाल रहा है, कोई ब्रेड डाल रहा है, मछलियां तुरंत उठा के ले जा रही हैं सब। और डाल दो, खत्म हो गई ब्रेड, ब्रेड खत्म हो गई। देख कितनी सारी बहुत है। वहाँ कुछ डालने वाला था नहीं ना, वहाँ दूर पड़ रहा है इसलिए वहाँ नहीं आए। रुको नहीं बाबू, थोड़ा दूर है, दूर रहो। पास जो जो है लाई है वो सब बच्चों के लिए, जो बच्चे लोग जो है डाल रहे हैं मछलियों के लिए। थैली मत फेंकना, थैली मत फेंकना, थैली मत फेंकना। पूरा गार्डनिंग हुआ पड़ा है, यहाँ पे भी लोग जो है घूम रहे हैं, पार्क बना हुआ है घूमने के लिए, तो बच्चे और बड़े सब जो है मजा ले रहे हैं यहाँ पे। पर बोटिंग होती है तो यहाँ पे लोग जो है बैठ के जा रहे हैं। देखिए वहाँ सामने भी कई नाव गई हुई है, यहाँ पे आदमी लोग बैठ के, औरतें बच्चे सब बैठ के जो है जा रहे हैं बोटिंग करने। तो शाम का टाइम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लग रहा है मेरी फैमिली जो है आगे चली गई है, तो चलती हूँ आगे। हम देखो बोटिंग करोगी, बोटिंग करोगी, नाव चलाओगी मंतशा, हाँ दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ मंतशा, मंतशा पीछे आओ, सुन नहीं रही है लड़की। ओ भैया तो चलते हैं, ढाई दिन के झोपड़े पे, क्योंकि टाइम है कम और शाम हो चुकी है, अभी शॉपिंग भी करनी है बच्चों के लिए, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। और चलते हैं वहाँ पे, अब थोड़ा सा कुछ वीडियोस वहाँ के भी डाल देती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ, वहाँ भी चलते हैं। तो चलो चलते हैं, तो हम लोग आ चुके हैं ढाई तीन का झोपड़े में और चलते हैं ऊपर। बहुत जीना, बहुत खड़ा खड़ा जीना, मैं तो थक जा रही हूँ। तो चलते हैं अंदर, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ढाई दिन के झोपड़े में। तो यहाँ भी लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। ये रही मस्जिद, मस्जिद पे जो है कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है सारी। चलती हूँ अंदर से और दिखाती हूँ नज़दीक से। पांचों वक्त की नमाज होती है, जूते चप्पल बाहर उतार के जाएं, अंदर जो है पांचों वक्त की नमाज होती है, यहाँ पे लोगों ने बताया है। और ये ढाई दिन में जो है ये फतेह हुआ था।
जिन्नाती मस्जिद है, यहाँ पे जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं। और ये सब आयत है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, जगह मिल जाती है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा थक गया, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं बैठ के यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है, खुला खुला जगह है यहाँ पे, लोग भी कम है यहाँ पे। बापू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं आओगी, आधा आ जाओ, अच्छा गिर मत जाना, नीचे नीचे गिरना नहीं। और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी बारिश होने लगी, तूफ़ानी बारिश थी, ये किसी बाढ़ से कम नहीं था। हम जैसे तैसे हम लोग एक छोटी सी मस्जिद में जाके बैठ गए, मैं बस ये छोटा सा वीडियो बनाई हूँ, जैसे तैसे ये बन चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे बाढ़ की तरह ये बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश हो रही थी अजमेर शरीफ में। और लोग जहाँ मर्जी वहाँ रुक जा रहे थे, बड़े बूढ़े बच्चे, यहाँ पे मैंने भी ये वीडियो बनाया और यहाँ पे मैं भी खड़ी हो गई, मेरी फैमिली खड़ी हो गई। और हम लोग बहुत जैसे जब बारिश जब बंद हुई, तब फिर हम लोग जो है भीड़ में से निकले, और धीरे धीरे करके जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, रश भी था, और हम लोग जो है होटल की तरफ को निकल चुके। और भी लोग थे जो कि अपने अपने होटल में जाने के लिए परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, और धक्का धुक्की भी हो रहा था उसी में, का बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आधे घंटे बाद जो है बारिश जो है बंद हो गई। लेकिन इस बारिश ने इतना मतलब गंदगी, और इतना पैर तक हमारे जो है पानी यहाँ पे भर चुका था। हम लोग जैसे जैसे भीड़ में से निकलते निकलते जो है अपनी होटल तक पहुँच गए। अच्छा, मुझे जो है तो शॉपिंग पे भी जाना था, और यहाँ पानी की वजह से देखिए यहाँ पे बहुत लोग कैसे कैसे हाथ एक दूसरे का पकड़ पकड़ के जा रहे थे, रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया था। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ भाई और बहनों, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।